नमस्कार, मैं शिवानी धराधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के केवड़िया में मिशन लाइफ का शुभारंभ किया। इस मिशन का उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को अपनाना है। इसका फायदा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को रोकना है ताकि प्रकृति की रक्षा की जा सके। तेलंगाना के नलगोंडा जिले में कुछ लोगों ने विरोध का अजीबोगरीब तरीका अपनाया है और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को प्रतीकात्मक रूप से कब्र में दफन कर दिया है। कुछ अज्ञात लोगों ने जेपी नड्डा की कब्र खोदी है और उनकी तस्वीर कब्र पर लगाई है। फिल्म को मिले प्यार का जश्न मनाने के लिए और प्रशंसकों को अपने पसंदीदा बॉलीवुड आइकन के साथ अनुभवों को फिर से जीने का मौका देने के लिए छात्रों, प्रशंसकों और LGBTQIA+ समुदाय के सदस्यों के लिए मुंबई में माजा मा की एक स्पेशल स्क्रीनिंग आयोजित की गई थी। T20 वर्ल्ड कप 2022 में भारतीय टीम 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। इस बीच मैच को लेकर क्रिकेट फैंस के साथ साथ खिलाड़ी भी बेताब नजर आ रहे हैं। भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला खेलने से बेहतर कुछ नहीं है। आय से अधिक संपत्ति सहित अन्य मामलों में ईडी की गिरफ्त में रह रहे साहिबगंज के JMM नेता पंकज मिश्रा से न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान बात करने वाले दो लोगों को ईडी ने गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक उनसे बात करने वाले लोगों में साहिबगंज SP का नाम भी शामिल है। बिहार में भाजपा विधायक ललन कुमार फिर एक बार विवादों में घिर गए। उन्होंने हाल में ही ये प्रण लिया था कि वो श्राद्ध भोज के खिलाफ हैं और ना ही ऐसा भोज वो आयोजित करेंगे और ना ही ऐसे भोज में जाएंगे, लेकिन कुछ ही घंटे बाद उनके घर पर लोगों का तांता लगा और भोज आयोजित किया गया है। मायावती ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि पार्टी अपने स्वार्थ के लिए बुरे दिनों में दलितों को बलि का बकरा बनाती है और जब अच्छे दिन आते हैं तो दलित समाज की हमेशा उपेक्षा या तिरस्कार किया जाता है। दरअसल पूर्व CM ने बिना नाम लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बलि का बकरा करार दिया है। पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय ED मोबाइल गेमिंग ऐप के जरिए करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में मुख्य आरोपी आमिर खान के करीबियों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी में है। कोलकाता के उल्टाडांगा इलाके में एक कारोबारी उमेश अग्रवाल के कार्यालय और आवास पर छापेमारी कर भारी मात्रा में धन बरामद किया गया है। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म राम सेतु का गाना जय श्री राम रिलीज हो गया है। विक्रम मोन्ट्रोस द्वारा रचित और गाया हुआ ये गाना भरपूर ऊर्जा वाला भक्ति गीत है। गाने के वीडियो में कमोबेश वही दृश्य है जो आपने ट्रेलर में देखा था। RSS नेता होस बोले ने बताया कि बांग्लादेश के रास्ते उत्तर बिहार के पूर्णिया, कटिहार समेत कई जिलों और कई राज्यों में जनसंख्या असंतुलन देखने को मिली है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पिछड़े लोगों को साझे में रखकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। महाराष्ट्र ATS ने पड़ोसी जिले रायगढ़ के पनवेल से प्रतिबंधित PFI के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। साथ ही अधिकारी ने बताया कि ATS को भारत सरकार द्वारा PFI पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद पनवेल में संगठन के दो पदाधिकारियों और कुछ कार्यकर्ताओं की बैठक के बारे में गुप्त जानकारी मिली थी। एम्स दिल्ली के निदेशक एम श्रीनिवास ने बताया कि लोकसभा सचिवालय के संयुक्त सचिव YM कांडपाल को लिखे पत्र में कहा कि अस्पताल प्रशासन विभाग के ड्यूटी अधिकारी व्यवस्थाओं को सुगम बनाने और समन्वय बनाने के लिए 2400 घंटे एम्स नियंत्रण में उपलब्ध रहेंगे। पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जिले के भिखना पहाड़ी इलाके में एक अपहरण का मामला सामने आया है। एक कोचिंग के टीचर को कुछ लोग जबरन उठा कर ले गए हैं। वहीं इस मामले में परिजन और पुलिस कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। हालांकि खबर आ रही है कि बुधवार देर शाम कोचिंग के टीचर को छोड़ दिया गया। बिहार में जातीय जनगणना होने वाला है, इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू है। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा औरंगाबाद पहुंचे। वहां उन्होंने कहा कि बिहार सरकार जातीय जनगणना करा रही है। जातीय जनगणना संवैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा। इसके माध्यम से सरकार को आंकड़ा मिल जाएगा। सिंगापुर में अपनी किडनी का इलाज करा रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। लालू प्रसाद यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि डॉलर के मुकाबले रुपया बुरी तरह से टूटकर पहली बार 83 रुपए के पार पहुंच चुका है। रातों रात नोटबंदी कर देश और देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाले गिरते रुपए पर अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। दिल्ली में पटाखों पर लगी संपूर्ण रोक को चुनौती देते हुए दायर की गई याचिका पर तुरंत सुनवाई की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस दौरान कहा कि लोगों को साफ हवा में सांस लेने दें और अपने पैसे मिठाइयों पर खर्च करें। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले UP में राजनीतिक समीकरण साधने शुरू हो चुके हैं। सपा वोट बैंक माने जाने वाले मुस्लिमों पर भाजपा बसपा सेंध मारने में लगी हुई है। बसपा ने तो इमरान मसूद जैसे मुस्लिम नेता को अपने पाले लाकर आगे के संकेत भी दे दिए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के आगे चुनौती होगी कि अपने मुस्लिम वोट बैंक को कैसे बरकरार रख पाते हैं।
कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने फिर चिंता जाहिर की है। इतना ही नहीं, WHO ने भविष्य में हालात और बिगड़ने की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया है। खास बात है कि दुनिया के कुछ हिस्सों में नए सब वेरियंट चिंताएं बढ़ा रही है। साथ ही संगठन ने 5 इमरजेंसी के लिहाज से 5 बातों का ध्यान रखने की सलाह दी है। गुजरात के केवड़िया में मिशन लाइफ अभियान की शुरुआत करते समय प्रधानमंत्री ने कहा कि उदाहरण के लिए कुछ लोग एसी के तापमान को 17 या 18 डिग्री तक रखना पसंद करते हैं। इससे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एयर कंडीशनर का तापमान 18 डिग्री पर रखने और फिर कंबल ओढ़ने के बजाय एसी के तापमान को 24 डिग्री पर रखना और बिजली की खपत को कम करना बेहतर है। सत्ताधारी दल को हमेशा ही सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ता है। हिमाचल विधानसभा चुनाव में इस एंटी इनकम्बेंसी का सबसे ज्यादा खतरा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी में देखने को मिल सकता है। इसी संभावित खतरे को टालने के लिए पार्टी हाईकमान को रणनीति के तहत जिला में 10 में से 5 सीटों पर नए चेहरे को उतारना पड़ा है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को कहा कि गृह मंत्रालय अगले साल एशिया कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की पाकिस्तान यात्रा पर फैसला करेगा, लेकिन उन्हें लगता है कि खिलाड़ियों के सीमा पार जाने की संभावना बहुत अधिक नहीं है। हालांकि अनुराग ठाकुर उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम अगले साल 50 ओवर के विश्व कप में भाग लेने के लिए भारत आएगी। हम सभी का स्वागत करते हैं। न्यूजीलैंड में गायों की टकार पर लगने वाले टैक्स और अन्य ग्रीन हाउस एमिशन के मुद्दे पर किसान देश भर में सड़कों पर उतर आए हैं। इनमें से कई किसान सड़क पर ट्रैक्टरों के साथ ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को जमकर कोस रहे हैं। हालांकि कई लोगों ने यह भी कहा कि उम्मीद के मुताबिक यह प्रदर्शन उतना बड़ा नहीं था जिसकी संभावना थी। चीन ने एक बार फिर से आतंकवाद पर लगाम कसने की भारत की कोशिशों पर अड़ंगा लगा दिया है। उसने पाकिस्तान आतंकी हाफिज तलहा सईद को UN से ब्लैकलिस्ट कराने के प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया है। सुरक्षा परिषद में बीते 6 महीनों में यहां 5वां मौका है जब चीन ने इस तरह से प्रस्ताव को गिराया है। इमली फेम सुम्बुल की एंट्री बिग बॉस में काफी दमदार थी। वह टीवी का पॉपुलर चेहरा है जिसका उन्हें पूरा फायदा मिल रहा था। पॉपुलैरिटी चार्ट में उनका नाम शीर्ष पर था। हालांकि तीसरे हफ्ते तक सुम्बुल की रैंकिंग नीचे आ गई है। तीसरे हफ्ते की पॉपुलैरिटी लिस्ट में प्रियंका चौधरी का नाम टॉप पर है। उनके बाद शिव ठाकरे MC स्टैन भी लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। चारधाम यानी केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री और यमुनोत्री में रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। खास बात है कि इन श्रद्धालुओं में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी दर्ज होने जा रहा है। वह 21 अक्टूबर को यहां पहुंच रहे हैं। दरअसल श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड संकेत के तौर पर देखा जा रहा है कि क्योंकि बीते 2 सालों में कोरोना वायरस महामारी के दौरान इनकी संख्या काफ़ी कम हो गई थी। त्योहारों में बढ़ी हुई डिमांड को देखते हुए खुदरा बाजारों में खाद्य तेल दूध दाल से लेकर सब्जियों की कीमतों में शहर दर शहर जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है। सरसों का तेल रामनाथपुरम में जहां 255 रुपए किलो के भाव से बिक रहा है, वहीं मध्य प्रदेश के मुरैना में केवल 140 रुपए, आइजोल में प्याज 60 रुपए किलो पहुंच गया है, तो वहीं सागर में केवल 15 रुपए प्रति किलो के रेट पर बिक रहा है। वैसे अधिकतर जगहों पर सरसों तेल 160 से 170 रुपए लीटर है और प्याज 25 से 30 रुपए किलो। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में पटवारी और लेखपाल पदों के लिए वैकेंसी से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट psc.uk.gov.in पर जाकर रिक्त पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 4 नवंबर 2022 है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने कुल 563 पदों के लिए भर्ती निकाली है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अगले शैक्षणिक वर्ष से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध सभी स्कूलों में बाल वाटिका से पढ़ाई शुरू की जाएगी। प्रधान ने देश के 50 केंद्रीय विद्यालयों में पायलट परियोजना के आधार पर बाल वाटिका 1 की शुरुआत करते हुए यह बात कही है। पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने कहा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे आवेदकों को राज्य प्राथमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय के निकट जारी धरना खत्म कर देना चाहिए। बसु ने कहा कि साल्ट लेक इलाके में 17 अक्टूबर को शुरू हुए धरने के पीछे कुछ राजनीतिक दलों का हाथ है। JEE एडवांस्ड परीक्षा 2022 में टॉप करने वाले बैंगलोर के आरके शिशिर ने IIT बॉम्बे के बजाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को चुना है। शिशिर के संस्थान में दाखिल लेने पर IISc ने खुशी जाहिर की है। IISc ने ट्वीट कर कहा कि हमें बेहद खुशी है कि हमारे नए बीटेक मैथ्स और कंप्यूटिंग कोर्स को शिशिर ने ज्वाइन किया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है लखी कुमारी, जितेंद्र कुमार, राजू कुमार पटेल, मुट्टू रंगीला, मोहम्मद नौशाद, बाबूलाल मरांडी, नूनू कुमार, रंजीत कुमार ठाकुर, अर्जुन राम और KK सिन्हा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि विपक्ष की तरह क्या आपको भी लगता है कि नोटबंदी मोदी सरकार का गलत फैसला था? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।